नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको भारतीय आज भी याद करते हैं, और उन्हें ये अफसोस है कि वह अगर जीवित होते तो शायद इस देश में कुछ सुधार हो पाता। उस शख्सियत के बारे में तो मैं बाद में बात करती हूँ, पर पहले हम बात करेंगे भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतर आया है। वो अपनी जिद पर अड़ गया है कि अगर सेंट्रल सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वह दिन रात अपना घर बार छोड़कर वहीं बैठे रहेंगे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सेंट्रल सरकार अगर उनकी बात मान लेती है तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन इन दिनों में हमारे देश की दशा को देखकर लोग एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि अगर वह आज होते तो ये सब ना होता। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। बाद में पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अब तो नई धोती ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, भारत के करोड़ों किसान ऐसी धोती पहनते हैं, मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।